अगली खबर में बात करते हैं खरगोन की, जहां शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर ग्राम बड़गांव में पारिवारिक विवाद सुलझाने के दौरान दो पक्ष आपस में भिड़ गए। विवाद इतना गहराया कि दामाद और उसके रिश्तेदारों ने ससुर पर धारदार दराते से हमला कर घायल कर दिया। मारपीट में लड़की के पक्ष से दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर जांच शुरू की है। अस्पताल में उपचाररत दिनेश सुरागे निवासी खामखेड़ा ने बताया कि उनकी बेटी ज्योति का विवाह करीब 6 माह पहले बड़गांव निवासी दिलीप पिता लिम्बा से हुआ था। शादी के बाद से दामाद सहित ससुराल पक्ष के लोग बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, छोटी छोटी बातों पर ताने मारना, खाना भी नहीं खाने देना जैसी हरकतें करते थे। बेटी से मिली शिकायत के बाद शुक्रवार को सुलह के लिए बेटी के ससुराल गए थे। दिनेश ने बताया उनके साथ उनका साला मांगीलाल पत्नी सकुबाई भी थी। बेटी को वापस लाने की बात पर मारपीट शुरू हो गई। दामाद दिनेश के घर पहुंचने पर जब समझाइश के दौरान बात नहीं बनी तो उन्होंने कहा कि हम अपनी बेटी को साथ ले जा रहे हैं। इस पर दामाद दिलीप मारपीट पर उतारू हो गया, उसने पकड़ा और उसके खरगोन निवासी जीजा ने दराते से वार कर दिया, जबकि मेरे साले मांगीलाल पर दामाद के भाई संदीप ने कपड़े धोने की थापी से हमला किया। मारपीट में दिनेश के सिर पर गहरी चोटें आई हैं, जबकि मनसाराम के हाथ में चोट आई है। दिलीप की पत्नी ज्योति ने बताया कि पति, सास ससुर सहित जेठ संदीप आए दिन दहेज के लिए परेशान करते हैं। प्रवीण आर्य ने बताया पारिवारिक विवाद के दौरान मारपीट का मामला सामने आया है, दोनों पक्ष ने शिकायत दर्ज कराई है। दिनेश, क्या घटना हुई, कैसे क्या हुआ? ये अभी 3 महीना हुआ छोरी की शादी करेल का, तो हमने कहे भाई छोरी अब अच्छा घर में दी, बढ़िया चलो नहीं दी। अभी छोरी को सिंपल छोरी जे थी, तो छोरी को परेशान करो, एक सासू और वो जेठ आनन को घर वालों बोले तू यहाँ से थारा बाप यहाँ से काई लाई गई, हमने जो देणू तो हमारा जो बनी वो तो दे दियो। तो ये तो रोज मतलब कि मारनू, रोज परेशान करनू, और छोरी को कम बोलता मतलब कुछ न, न, मतलब जवाब देता नहीं इनका होता, तो इन्होंने ना मतलब कि वो परेशान कर सुबह शाम लड़ा रहा है। कभी कभी रोटी बनाओ तो कहीं तुम तो ज़्यादा बनाई ली, कभी कम बना कम बनाई ली, अन छोरी को मान लो। हमने यूज कर भाई छोरी क्यों मारो तुम, कभी किसने मारा? अभी वो का एक जवाई ना, वो का बड़ा भाई ना। किस चीज से मारा आपको? दराते से मारा सर, पालवे दराता, पालवे दराता था। आज क्या विवाद क्या हुआ था? विवाद कहीं नहीं, हम कहीं ना गया भाई तुमको नहीं जमा तो हमारी छोरी का लिया, हमारी छोरी हम ले जावा तो कहीं ऐसा कैसा ले जाओ, यहाँ हमारा पैसा दे, हमारा पैसा लगे। तो भाई हमने तुमने कहा छोरी का बेची दी, और हमने छोरी शादी करी हंसी खुशी से। कहाँ जी थी आपने? बड़गांव। बड़गांव, बड़गांव। आप कहाँ के रहने हो? हम खेड़ा के। क्या नाम लिखते हैं आप? दिनेश सुरागे। कैसे कौन गया था वहाँ पर, कौन गए थे वहाँ? पप्पा और मम्मी एंड मौसी नदवी और उसका मौसा जी है, मौसा जी का छोरा। किस लिए गए थे? मामा। किस लिए गए थे? समझाने। क्या समझाने? क्या समझाए उसमें, ये छोरी को परेशान करते थे तो भाई तेज का बारा तो क्यों हमारी छोरी को परेशान कर रहे हैं? अभी परसों रोज तो राखी बसी घर आई, हमने को तो हम समझे कल की रोटी नहीं खाई लाए, हमने समझाऊना कहा था ससुराल में, अब समझे हम अपनी छोरी को, तो ये ना अंदर कर लिया हमने छोरी को समझाया करा, तो हम बाहर अभी आईगा, चलो अपनी छोरी को हम बेग उठे बाहर आईगा, तो इनकी किच किच हुआ करी, मामा जी कालर पकड़ी ली हमारा भैया की, कालर पकड़ी मारने लगेगा हम सब चोरों का पटीगा, मोंगरी ने 2-3 मारी भैया का गेट, तो भैया को मारा और इसका पापा छोड़ाने गए, देखा भाई बाप से वहाँ खड़ा था, इसका नंद से नहीं डराता ले रहे थे, तू ही मार दिया माथा में भी खरगोन का उसका नंद। कब शादी कब हुई थी ये? अभी वैसे आदमी माते माई बात ने उसका संगात गलत काम का मांग करते थे कही की। हाँ मांग करके थे, मांग हुई नहीं पूरी, देश का बारह कूलर देव फ्रीज देव, तो हम तक हम गरीब लोग दे मांगा न छोरी इनका कूलर भाई हमारी छोरी नहीं सुन के हमारा घर रखी जाओ, तो हम लेना कम समझाओ ना भाई हमारी संगात विदा लगाई दे, तो नहीं तो तुम जसो भी हो तो हमको कही दियो। एक दिनेश
पिता बंसीलाल सुहागे हैं, उनकी पुत्री बिहाई है बड़गांव में। तो वो पारिवारिक विवाद के कारण वो गए थे, तो वहीं आपस में दोनों पक्षों के बीच लड़ाई झगड़ा हो गया और सुहागे जी भर्ती हैं यहाँ पर, इनके मिलते कराकर कार्रवाई कर रहे हैं। और दूसरा पक्ष भी अभी आया, उनकी भी एमएलसी होगी। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई का मामला प्रथम दृष्टया दृष्टिगोचर हुआ है। सर बताया जा रहा है कि दादर हथियार से भी हमला किया गया था। हाँ, अभी वो चोट हुआ है इनको, अभी मेडिकल करवाया है इनका, कार्रवाई की जाएगी।